अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज फैसल ए टू जी व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चले जी, आज काफ़ी देर बाद तकरीबन ऑलमोस्ट डेढ़ महीने बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। वो बात दरअसल ये थी कि जो मेरे साथ एक अंकल काम करता है वो वेकेशन पर था, पाकिस्तान अंकल गया हुआ था, तो अंकल अभी आया तो मुझे मौका मिला है शॉपिंग करने का। तो लेकिन फिर भी मैंने आज अपना हाफ नहीं लगाया, तो मैंने सोचा चले एक ट्रिप पे जाना है तो वहाँ पे फिर छुट्टियाँ करनी है, क्यों ना जितना काम हो सकता है उस वक्त उतना काम कर लें। तो बात यह है कि मैंने जाना है जी एक ट्रिप पे बच्चों के साथ, तो मैं जा रहा हूँ जी आज बच्चों के लिए कोई मेडिसिन लेने, क्योंकि आपको पता है कि जब दूसरी जगह जाते हैं तो बच्चों को आबो हवा चेंज हो जाती है, तो बच्चों को बुखार नज़ला वगैरह हो जाता है, तो इसलिए क्यों ना पहले अपनी थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए। तो आज जा रहा हूँ जो स्टोर पे, वहाँ से बच्चों की मेडिसिन वगैरह पिक करेंगे, जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं जैसे सिरप या बच्चों के लिए जो इधर यूएसए में देते हैं, क्योंकि गोली वगैरह तो बच्चे खा नहीं सकते, तो इसलिए वो फ्लेवर वाले सिरप वगैरह होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज बच्चों के लिए वो ले लिया जाए, ताकि पहले ट्रिप से पहले अपनी सारी अच्छी तरह प्लानिंग कर ली जाए, तो बाद में जो इंसान को थोड़ी सी मुश्किल ना हो। तो आप दिखाते हैं जी आपको स्टोर में, तो कौन कौन से मैंने आज बच्चों के लिए अपनी मेडिसिन वगैरह लेनी है। तो आज वैसे भी दिसंबर हो गया, दिसंबर की आज तकरीबन हमारे 9 या 10 तारीख है, तो आज मेरा दिल भी कर रहा है फ़िश खाने को, तो वो भी दिखाते हैं आपको स्टोर जहाँ से मैंने फ़िश बाय करनी है। जो लास्ट टाइम मैंने फ़िश बाय की थी तो, लेकिन इस टाइम है चाइनीज़ का स्टोर, लेकिन ये डिफरेंट स्टोर है, तो इस दफ़ा मैं उस स्टोर पर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा तो फ़िश वगैरह। तो स्टे ट्यून विद फैसल ए टू जी व्लॉग। चलो जी, आ गया हूँ मैं रेस्टोरेंट में, शॉपिंग से पहले थोड़ा सा कुछ खा लें, क्योंकि लंच में लेकर नहीं आए थे आज काम पर, तो घर भी इधर से मेरा काफ़ी दूर है, तकरीबन 35-40 मिनट मेरा घर दूर है इधर से, तो टाइम भी काफ़ी ज़ाया होगा, तो घर में भी फिर टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना जो मेरा एक फेवरेट प्लेटर है तो वो यहाँ से खाते हैं, तो आपको खाते हैं प्लेटर है, कौन सा प्लेटर क्या क्या है उस प्लेटर में। तो चलते हैं रेस्टोरेंट में, पहले खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद फिर जाएंगे शॉपिंग करने, जो बच्चों की मैंने मेडिसिन वगैरह पिक करनी है तो वो आपको दिखाएंगे। तो जी चलते हैं जी रेस्टोरेंट में। ये है जी रेस्टोरेंट फ्लेफल कॉर्नर, तो यहाँ से मैं अपना प्लेटर मैंने ऑर्डर किया है वो खाते हैं। तो ये मैंने सुना था कि ये एक ना पाकिस्तानी है, तो उसने ये ब्रांच ओपन की थी फ्लेफल कॉर्नर, तो मुझे तो इसमें जो मोस्ट फेवरेट है मेरा वो प्लेटर है, लैम्प प्लेटर। तो चलते हैं रेस्टोरेंट में और आपको दिखाते हैं जी। यह है जी मेरा प्लेटर, यह है जी लैम्ब और ये बॉयल राइस और ये सैलड और यह है जी अरबियों की एक डिश जिसे कहते हैं हमस, और साथ में है जी नान वगैरह, तो यह है जी पिकल और ये स्पाइसी सॉस। चले जी खाना खाते हैं तो आपको बताते हैं जी कैसा इसका टेस्ट है। यह जी मेरा फेवरेट जो इस रेस्टोरेंट में फ्लेफल कॉर्नर में। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह लंच मैंने कर लिया है, तो अब चलते हैं जी शॉपिंग करने, जो बच्चों की मैंने मेडिसिन वगैरह पिक करनी है तो आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह खाने का बहुत अच्छा था, ये मेरा फेवरेट लैम जायरो था, वो आपने देख लिया होगा वीडियो में, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो अब चलते हैं जी शॉपिंग करने और आपको दिखाते हैं जी, तो स्टे ट्यून विद फैसल ए टू जी व्लॉग्स। रश देखे जी कितना स्टोर पे, तो कितनी गाड़ी वगैरह खड़ी है, हर तरह गाड़ी ही गाड़ी नज़र आएगी, क्योंकि आज है जी सैटरडे वीकेंड, तो वीकेंड पर काफ़ी रश होता है, तो मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए जी, मुझे भी पार्किंग कहीं दूर जाके मिली है, तो ये देखिए कितना रश है, हर तरफ आपको गाड़ी ही गाड़ी नज़र आएगी। तो ये देखिए जी, ये देखिए जी, वो हमारा सामने स्टोर है, ये जी है जी होल सेल कास्को होल सेल स्टोर, तो जिसके छोटे छोटे बिजनेस हैं ग्रोसरी शॉप हैं वो भी यहाँ से शॉपिंग कर लेता है, जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। तो रश भी देखिए आप काफ़ी है, तो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। तो इसकी जो स्टोर की एक बड़ी बात है कि जो ये मेंबरशिप कार्ड है ये वाला, इसके बगैर आप शॉपिंग नहीं कर सकते, तो इस मेंबरशिप कार्ड की फीस है जी सालाना $60, तो इसके ऊपर भी कार्ड है उसकी $120 है, तो लेकिन जो ये है इसकी $60 फीस है जी, इसके बगैर आप शॉपिंग नहीं कर सकते, ये कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये देखिए जी यहाँ पे एलसीडी वगैरह भी लगी हुई है, ये है सैमसंग की,
तो ये है तकरीबन जी 85 इंच, जो 85 इंच की प्राइस है वो है जी 900 US डॉलर प्लस टैक्स, आलमोस्ट 1100 में पड़ जाएगी ये। तो ये है सैमसंग क्रिस्टल UHD है। तो ये सारा LCD वाला सेक्शन है, OLED, ये सोनी है, ये सोनी की एक्सपेंसिव है, ये लगी हुई है जी 1300 US डॉलर प्लस टैक्स। तो ये देखिए जी, ये है जी आलमोस्ट 85 इंच, तो ये भी सोनी की है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कोई लेटेस्ट मॉडल लगा, ये सोनी ब्रेविया है। तो ये है जी 2200 US डॉलर तो प्लस टैक्स। ये देखिए जी, ये है जी 75 इंच, ये सस्ती लगी हुई है, ये जी 500 प्लस टैक्स। तो ये है जी हाईसेंस UHD 4K, ये 4K है जी। आपको दिखाते हैं आगे और भी, इधर ये स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, ये देखिए जी, ये 400 डॉलर का बोस कंपनी वाले का स्पीकर, बोस साउंड बार। ये देखिए, ये भी है जी, ये सोनस वालों का 639 वॉच सेक्शन। तो ये वॉच देखे जी सिटीजन, ये देखे जी वर्साची 700 US डॉलर, ये है जी 600 US डॉलर, ये नीचे पड़ी है, कोई इतनी ख़ास नहीं है जितनी प्राइस है, तो इतनी कोई ख़ास नहीं है, इतनी महंगी लगाई हुई है। ये है जी 189, ये भी कोई ख़ास नहीं है, ये भी लगी हुई है महंगी ज़्यादा, लेकिन कोई ख़ास नहीं है इतनी वैरायटी इनके पास, बस ब्रांड का करके है। ये है जी टाइमिक्स ब्रांड। और ये कुछ इधर लगे हुए लेडीज़ के नेकलेस वगैरह, मुझे मिल गई जो मैंने बच्चों के लिए लेनी है मेडिसिन। ये है जी इन्फेंट, जो 2 साल तक के बच्चे हैं ये उनके लिए हैं, और ये वाली है जी जो 2 से 11 साल तक के बच्चे हैं ये उनके लिए है। ये ज़्यादातर बस नज़ला बुखार जुकाम कोई सर दर्द का सर, ये उसके लिए है। तो मेडिसिन तो अगर हॉस्पिटल जाए तो डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं, जो चेरी फ्लेवर में है। ये देखिए जी, काफ़ी रश है आज स्टोर में, ये देखिए रश कितना, हर तरफ वाम ही वाम नज़र आ रही है आपको। मुझे भी कुछ 2-3 चीज़ें याद आ गई, मैं भी वो चीज़ें ले लूँ। तो एक तो मैंने लेने हैं जी बाथ टिशू, और एक मैंने लेने हैं जी हैंड सॉप। तो चेक करते हैं इधर, बड़ा काफ़ी बड़ा स्टोर है ये। तो ये देखिए जी, हर तरफ आवाम ही आवाम नजर आएगी आपको। देखिए जी लाइन, जहाँ पे वो चेक करेंगे आपकी रसीद, तो फिर आपको एग्जिट होने देंगे। तो ये है जी रसीद, तो ये वो चेक करेगी, मार्क करेगी, फिर वो एग्जिट होने देगी हमें। ये इधर खड़ी हैं 2 लेडीज़, ये बच्चों की दवाई वगैरह ली है, तो साथ में मैंने कहा चले ये नेक पिन चाहिए, ये भी ले लिया, ये मैंने हैंड सॉप भी ले लिया। तो ये इस पे लग गया जी 100 US डॉलर, पाकिस्तानी तकरीबन 28,000। ये देख लिया जी पाकिस्तानी 28,000, 1, 2 और 3, बस यही कुछ आया। हमने सी फूड सिटी, जहाँ से मैं बाय करने जा रहा हूँ जी फिश, तो ये भी चाइनीज़ ही है। तो ये देखिए जी कितना रश है, इधर भी बहुत रश है, हर तरफ गाड़ियाँ, आज वीकेंड है। तो ये देखिए जी, हर तरफ आपको गाड़ियाँ मिलेगी, गाड़ियाँ, ट्रक, SUV। तो वो है जी चाइनीज़ मार्केट, चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कौन कौन सी फिश है उनके पास। ये देखिए जी ग्रेट फ्रूट, वाह यार कितना कितना बड़ा है, पैकिंग देखे इन्होंने, 1-2 लेयर में पैक किया है। और ये भी पड़ा है जी, और ये भी है जी, ये देखिए ग्रेप फ्रूट। देखिए जी फिश, पिछली दफ़ा तो मैं दूसरी लेकर गया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये लेकर जानी है जो ये लाइव है। ये देखिए इसका कुछ अपने टेस्ट है, वो जो उधर पड़ी होती है उसका कुछ अपने टेस्ट है, उसका पता नहीं होता जी कब की है, वो फ्रेश है कब की नहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि ये लाइव है, ये फ्रेश है। ये देखिए तिलापिया, ये है जी $7 पाउंड, तो इसमें से करवाते हैं कोई 4-5 पाउंड, तो फिर वो खाते हैं। और दिखाता हूँ आपको इधर, ये भी है जी, ये देखें, ये पता नहीं क्या है,
ये देखे जी लॉबस्टर, ये देखिए जो फिश पकड़ा जी वो पकड़ लेते हैं। तीन पकड़ी है, चार पीस मैंने खाते, जाल चेक करें इसके। ये देखिए इनके पास वैरायटी पड़ी, काफ़ी फिश की वैरायटी पड़ी है, लेकिन लास्ट टाइम तो मैंने इससे ले ली थी इनमें से तो, लेकिन अब जो मैंने लिया वो मैंने लाइव लिए, लाइव का भी अपडेट है। वो देखिए वो सामने लगा हुआ है जी बोर्ड, उस पर लगा हुआ है कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, क्या आपने कैसी कटवानी, क्योंकि चाइनीज़ इनको इंग्लिश नहीं आती तो आप नंबर बता सकते हैं जी, मुझे एक नंबर चाहिए, मुझे दो नंबर चाहिए, तो ये आपको फ्री दे सकते हैं जी, फ्री फ्राई करके देंगे। ये देखेंगे आगे हम दूसरे स्टोर पर, तो बच्चों ने मुझे फरमाइश की थी कि मेरे लिए कोई चॉकलेट वगैरह लेकर आए बच्चों के लिए, तो मैं इधर ले रहा हूँ बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स, देखते हैं कौन सी कोई अच्छी चॉकलेट हैं, तो वो बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। तो बच्चों ने मुझे कहा था चॉकलेट लेकर आना, लॉलीपॉप लेकर आना, कैंडी लेकर आना, तो देखते हैं अब क्या क्या बच्चों के लिए लेकर जाता हूँ। तो चॉकलेट और कोई लॉलीपॉप कोई अच्छे से हों तो वो लेकर जाऊँगा बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली जो मेरी आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली, जो दवाई वगैरह ले ली थी बच्चों की और घर के दो तीन चीज़ें लेनी थी और जो मेरी फेवरेट फिश है तो वो भी मैंने बाय कर ली है। तो जो मैंने इस तरफ बाय किया वो मैंने लाइव फिश बाय की है, जो लास्ट टाइम मैंने बाय की थी वो इधर पड़ी थी ना, तो वो उससे पता नहीं चलता कितने दिन की पुरानी है, एक दिन पुरानी, दो दिन पुरानी, तीन दिन पुरानी, तो लेकिन आज मैंने वो लाइव फिश लिया जो उन्होंने वो एक बॉक्स के अंदर रखी, एक्वेरियम के अंदर रखी हुई, आज मैंने वो फिश लिया, लेकिन है थोड़ी एक्सपेंसिव तो, लेकिन इसका टेस्ट अपना ही है, जो फिश जो लाइव फिश है इसका टेस्ट अपना ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरी शॉपिंग हो गई है, तकरीबन तीन चार घंटे लग गए जो मैंने छोटी सी शॉपिंग की है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाना तो, क्योंकि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो भी काफ़ी दूर है, तो मेरे घर का और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ का फासला तकरीबन अगर रश ना हो तो 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, लेकिन रश था तो 35 से 40 मिनट लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफली घर पहुँच गया हूँ, तो चलते हैं जी अब घर, तो जाकर सामान वगैरह देते हैं, तो इसको फिर फिश को लगाते हैं जी अजवाइन और नमक ताकि जो इसकी स्मेल है वो मर जाए, तो फिर इसको लगाएंगे फिश वाला मसाला, तो करेंगे फ्राई और आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून विद फैसल ए टू जी ब्लॉग।